ऑफ नेटवर्किंग विद टाइप्स, नेटवर्किंग क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। कनेक्टिंग टू आर मोर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ नेटवर्क, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जो हम एक दूसरे के साथ मुंसलिक करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। जोड़ते किस चीज़ से हैं? दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विया अ नेटवर्क केबल आर फोन लाइन, या तो नेटवर्क केबल के थ्रू हम उन्हें जोड़ देते हैं या फिर फ़ोन लाइन के ज़रिए जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क की कितनी? तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में मुंसलिक करने को नेटवर्क कहते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क को केबल या फ़ोन लाइन के ज़रिए मुंसलिक किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क की तीन मेन किस्में हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? अ स्मॉल नेटवर्क कनेक्टेड विद नेटवर्क केबल। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक रूम है, इस रूम के अंदर 15 कंप्यूटर रखे हुए हैं, 20 कंप्यूटर रखे हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, केबल्स के ज़रिए इनको आपस में कम्युनिकेट करा देता हूँ, आपस में इनको कनेक्ट कर देता हूँ, तो वो ये क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लेन कहते हैं। और अमूमन ये वहाँ पर लगता है कि आपके सिस्टम के अंदर एक लैन कार्ड लगा होता है। क्या लगा होता है? लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, जहाँ पर वो नेटवर्क की केबल लगती है, ठीक है। अब ये नेटवर्क जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जब इसके आप बिल्कुल डीप में जाएंगे तो एक बहुत बड़ी फील्ड है नेटवर्किंग की, मतलब उसमें फिर सिक्योरिटी आ जाती है कि आप अपने सिस्टम्स को सिक्योरिटी कैसे देंगे, आप अपनी जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करेंगे। नेटवर्क में आने के बाद ये होता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सीडी रोम लगा हुआ है, या मैंने एक यूएसबी यहाँ से इन की और मैंने अपनी यूएसबी को शेयर कर दिया, तो वो जितने भी कंप्यूटर्स बैठे हुए हैं, जितने भी यूज़र बैठे हुए हैं, उन सब के पास मेरा डेटा शेयर हो रहा होगा, वो वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। या अक्सर हमारे पास एक चीज़ आती है प्रिंटर शेयरिंग, कि एक प्रिंटर लगा हुआ है और तमाम सिस्टम्स में नेटवर्क बना हुआ है, तो वो नेटवर्क के थ्रू अगर सिस्टम्स को नाम दे दिया जाता है, यूज़र 1, 2, 3 इस तरीके से। अगर पीसी नंबर 5 जो है अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाता है और उसे प्रिंट करना चाहता है, तो यहाँ से प्रिंटर शेयरिंग ऑन है। ये कंट्रोल कौन करता है? सर्वर कर रहा होता है। एक होता है सर्वर बेस्ड नेटवर्क, एक होता है पेयर टू पेयर नेटवर्क। पेयर टू पेयर नेटवर्क में क्या होता है कि दोनों क्लाइंट होते हैं, और सर्वर बेस्ड नेटवर्क में क्या होता है, एक सर्वर होता है और बाकी सारे क्लाइंट होते हैं। तो सर्वर अगर चाहे तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, उनके ऊपर पाबंदी लगा सकता है, अगर कोई चीज़ शेयर ना करना चाहे तो वो उनको कंट्रोल में अपने रख सकता है। जबकि पेयर टू पेयर में क्या होता है कि ये सारे क्लाइंट हैं, जब सारे क्लाइंट हैं तो एक दूसरे की चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इनको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। लेकिन जो सर्वर बेस्ड नेटवर्क बनाते हैं उसमें जो सर्वर होता है वो बेसिकली उनको मॉनिटर कर रहा होता है, वो उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर सर्वर ने अलाउ किया हुआ है उस सिस्टम को प्रिंटर शेयर किया हुआ है, तो वो पीसी नंबर 5 अगर वहाँ से प्रिंट भेजता है तो जहाँ पे प्रिंटर रखा हुआ है वहाँ से प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये नेटवर्क का फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर मैंने नेटवर्क बना लिया, आप कहते हो कि सर मेरे पास ऑफिस की फ़ाइल नहीं पड़ी हुई, आप मुझे वहाँ से शेयर कर दें, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, मैं यहाँ से ऑफिस शेयर कर दूँगा, आपके पास आ जाएगी, आप उसे उठा के कॉपी कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इवन के आपके पास जो सीडी रोम वगैरह, जैसे मेरे पास सीडी रोम लगा हुआ है, मैंने एक सीडी डाली, आपके पास किसी के पास सीडी रोम नहीं है, मैं उसमें से जो सीडी रोम शेयर करूँगा वो आप चीज़ें या सॉफ्टवेयर वगैरह उससे भी देख सकते हैं। तो नेटवर्क बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, उनको ले सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ये सारे जो है वो इस नेटवर्क के थ्रू होते हैं।
तो किसी एक बिल्डिंग, किसी एक जगह, किसी एक कमरा या दो कमरे के कंप्यूटर्स को जो हम मिलाते हैं, जो हम कम्युनिकेट कराते हैं, जो हम कनेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लेन। अब आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि ये आजकल बहुत कम हो गया है। पहले ये होता था, आपको याद होगा कि फ़ोन लाइंस होती थी, फ़ोन लाइंस के थ्रू जो है वो नेटवर्क बनाए जाते थे, इनकी केबल्स भी अलग होती हैं। फिर मिसाल के तौर पर एक मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, एक मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो गुलशन अमीराबाद की तरफ है, एक मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो अलाहाबाद की तरफ है। मैं चाहता हूँ यार मैं इन तीनों ब्रांचेस को कम्युनिकेट करूँ आपस में, तो मैं उनको कम्युनिकेट कराने के लिए हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ करते थे, जिसे हम जो है वो फ़ोन लाइन्स के ज़रिए ज़्यादातर बनाते हैं, ठीक है। या सिटी टू सिटी अगर किसी स्टेशन को कनेक्ट करना है तो उससे भी हम जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। उसके बाद है वैन। वैन जो है ये है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है, वाइड मतलब फैला हुआ। तो ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये आपके पूरे वर्ल्ड में मौजूद है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट। क्या कहते हैं? इंटरनेट। इंटरनेट की एक छोटी सी डेफिनेशन है, द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या है? द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, के तमाम नेटवर्कों का एक नेटवर्क जिसमें वो सारे नेटवर्क जो है वो आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड जो है वो चीज़ें भेज सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को भेज सकते हैं। अगर आपने कभी वेबसाइट चलाई है तो उसमें आपने देखा होगा लिखा होता है www, लिखा होता है, वो क्या मुखफ्फिफ है उसका? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वो जो आपकी वेबसाइट है वो पूरी दुनिया देख सकती है, वो पूरी दुनिया उससे जो है वो चीज़ें ले सकती है, चीज़ें उसमें दे सकती है, ठीक है। एक चीज़ और भी लिखी होती है HTTP, देखा है इसका मुखफ़ आता है क्या है? नहीं नहीं, हॉटमेल तो पहले एक वेबसाइट होती थी, उसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ये एक किस्म का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के ज़रिए डेटा आपके पास जो है वो आ रहा होता है, ठीक है। अब अगर इसमें हम डीपली जाएंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है नेटवर्किंग का, बल्कि इसका अलग से एक कोर्स है जिसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी आती है, उसको कहते हैं सिस्को, सिस्को सर्टिफाइड जो है, सिस्को का नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा कोर्स होता है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाई जाती हैं, आप अपने सिस्टम्स को कैसे बचाते हो, वायरस से कैसे बचाते हो, या लोगों लोग अगर आपके नेटवर्क में ना आए। आपने देखा जो बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो भी ऑनलाइन चल रहे होते हैं। आजकल पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी मशहूर है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम्स क्या हैं? यही है कि वो आपके नेटवर्क में घुस जाते हैं, आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, और आपके सिस्टम के अंदर जो आपके अकाउंट्स हैं या आपकी जो चीज़ें पड़ी हैं उनको वो ख़राब कर सकते हैं, या आपके जो बैंक्स में जो अकाउंट्स चल रहे होते हैं ऑनलाइन, जिनका सिस्टम चल रहा होता है, तो वहाँ से वो चोरी वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये साइबर क्राइम्स यही होते हैं जो नेटवर्क को आपके परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड व्हाट इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? दो या दो से ज़्यादा पीसीज को आपस में कनेक्ट करने को हम नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। एक कमरे के अंदर अगर 15, 20, 25, 30 जितने भी 50 कंप्यूटर रखे हैं उनको अगर हम एक केबल के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर दें तो वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। सिटी टू सिटी जो नेटवर्क्स बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। क्लियर है? आगे चलें या कोई सवाल? नहीं, इसमें देखें डिवाइसेस होती हैं, पहले आता था जिसे हम कहते थे हब।
हब के अंदर मतलब ये होता था कि स्विच बने होते हैं और केबल के कनेक्टर बने होते हैं, तो वो तमाम जो नेटवर्क की जो केबल्स होंगी जो आपके सिस्टम से पीसी से आ रही होंगी वो उस हब में लगेंगी। हब पहले होते थे, आजकल स्विचेस होते हैं। स्विच जो है वो उसके अंदर फिर पोर्ट होते हैं, मतलब 8 पोर्ट वाला होता है, 16 पोर्ट वाला होता है, 24 पोर्ट वाला होता है, 32 पोर्ट वाला होता है। वो फिर जितने पोर्ट्स दिए होंगे उतने कंप्यूटर्स को आप एक दूसरे के साथ, और एक उसमें से केबल आ रही है जो सर्वर के पास आ रही होती है। वो सर्वर जो है वो जो डेटा भेजता है वो हब या स्विच के पास जाता है, स्विच से फिर वो डेटा सारा तमाम कंप्यूटर्स में जा सकता है। ठीक है।